ओम ऐं सरस्वती नमः। यह है सरस्वती का बीज मंत्र। सरस्वती पूजा के दिन इस मंत्र का जाप करना चाहिए। चलिए दोस्तों, जानते हैं देवी सरस्वती की पूजा कैसे किया जाता है। माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि वसंत पंचमी के रूप में सर्वविदित है। इस दिन ज्ञान, वाणी और ललित कलाओं की अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती की पूजा अर्चना की जाती है। सरस्वती पूजन का उद्देश्य है ये कि जीवन में अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करके ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न करना। सत्व गुण से उत्पन्न होने के कारण इनकी पूजा में इस्तेमाल होने वाली सामग्रियाँ अधिकांश श्वेत वर्ण की होती है, जैसे कि श्वेत चंदन, श्वेत वस्त्र, श्वेत फूल, दही, मक्खन आदि, सफेद तिल का लड्डू, अक्षत, घृत, नारियल और इसका जल, बैर इत्यादि। तो इस दिन क्या करना है, सुबह उठकर स्नान आदि के पश्चात श्वेत अथवा पीले वस्त्र धारण करना है, क्योंकि सरस्वती का प्रिय रंग है सफेद या पीला। तो श्वेत फूल माला के साथ माता का सिंदूर और अन्य श्रृंगार की वस्तुएं भी अर्पित करना चाहिए। माता के चरणों में इस दिन गुलाल भी अर्पित करना चाहिए। प्रसाद में माँ को पीले रंग की मिठाई या खीर का भोग लगाना चाहिए और इस दिन माँ की वज्र मंत्र जो है इसको जप करना चाहिए। जितने बार जप करे तो अच्छा है, चेष्टा करे 108 बार करना करने के लिए। माँ सरस्वती का बीज मंत्र है आए, और इसे किसी गुरु से लिया, इस मंत्र को लेने लेने के बाद उच्चारण करने से और ज़्यादा काम देता है। तो यथाशक्ति ओम ऐं सरस्वती नमः का जाप करना चाहिए। और इस दिन क्या और क्या किया जाता है, तो इस दिन जो छोटे बच्चे हैं उनको अक्षर सिखाया जाता है, और अक्षर ज्ञान कराने का यह शुभ दिन है। छोटे बच्चों को अक्षर ज्ञान कराया जाता है। स्कूल और शिक्षा संकायों में सरस्वती पूजन किया जाता है तथा ज्ञान वृद्धि के लिए कामना की जाती है। वही पंडित के द्वारा छोटे बच्चों को अक्षर ज्ञान शुरू किया जाता है। और इस दिन अगर आपका बच्चा पढ़ने में कमजोर है तो क्या करना चाहिए कि वसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजा करने के बाद उस पूजा में प्रयोग की गई हल्दी को एक कपड़े में बांधकर बच्चे की भुजा में बांधना चाहिए, और इससे उसकी जो पढ़ाई में तकलीफ हो रही है वो दूर होता है, यह विश्वास है। तो ये थी माता सरस्वती की पूजा कैसे की जाती है, एक छोटा सा संकेत और छोटा सा मैसेज। अगर अच्छा लगा तो शेयर जरूर करना।